तो गाइस डिस्पोजेबल ग्लासेस बड़े काम की चीज़ है केक डेकोरेशन के लिए। तो अभी आप देखेंगे कैसे। तो इसके लिए मैंने केक की फ्रॉस्टिंग कर ली है और केक के साइज़ पे मैंने येलो कलर की क्रीम से भी स्मूदनिंग कर ली है। अभी मैंने ली है एक टूथपिक। पहले लेफ्ट साइड की तरफ स्लैंटिंग लाइन बना लेंगे और उसके बाद राइट साइड की तरफ, जिससे कि डायमंड शेप का पैटर्न के जैसा बन जाएगा। और जहाँ पे जॉइंट आ रहे हैं वहाँ पे वाइट कलर के विप क्रीम से हमने ड्रॉप रख लिए हैं। अभी लेते हैं रोज पेटल नोजल वाले पाइपिंग बैग में हाफ में पर्पल क्रीम, हाफ में वाइट क्रीम और साथ ही डिस्पोजेबल ग्लास। तो अभी इसके बॉटम पे ये मैंने नोजल की हेल्प से एक हीप ऑफ क्रीम सा रखा है और उसके बाद सिंपली एक रोटेशन करके गोला सा बना दिया है। तो इसे हम केक के ऊपर टॉप पे साइड पे रख देंगे और इसी तरीके से बाकी सारे फ्लावर्स बना करके भी साइज को कवर कर लेंगे। अभी इन फ्लावर्स के सेंटर पे व्हाइट कलर की क्रीम रखेंगे और इनके आसपास बना देंगे पत्तियाँ और सेंटर। परफेक्ट केक है रेडी।